खबर मेरठ के खरखोदा इलाके से, जहां पर पानी दूषित हो रहा है, लोगों की जान जा रही है और वजह है मीट प्लांट। जी हां, मीट प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से 50 से ज्यादा गांवों के लोग कैंसर पीड़ित हो चुके हैं और बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। वहीं स्थानीय अधिकारी, डीएम और प्रशासन आंखें मूंद हुए हैं। दरअसल मीट प्लांट के खिलाफ 50 से ज्यादा गांवों के प्रधानों के साथ गांवों के लोगों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं पर्यावरण सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र गुज्जर का भी दावा है कि 50 के लगभग गांवों के 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उन्होंने 3 तारीख को इस बाबत बड़े आंदोलन की बात भी कही। ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने बढ़िया है कि हो सकता है आने वाले भविष्य में भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे और ना अब तक ऐसा मुख्यमंत्री हुए है ना। ये मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं जो डीएम है, जो अधिकारी हैं, जो है के लोकल प्रशासन के लोग हैं, एसएसपी है, एसपी आ रहे हैं, वो सब इनके लिए इतना मोटा पैसा जाता है इन लोगों से कि ये शासन को गुमराह करते हैं। पैसा कहां से किसका जाता है? अरे जो मीट प्लांट चला रहे हैं। मैं बताऊँ, बूचड़ खानों को पहले से ये उत्तर प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री बनता था उसको जाकर मैनेज करने जी। उस मैनेज करने में मान लो 50 करोड़ रुपए ले लिए मुख्यमंत्री ने, अब इनको 5 करोड़ में काम हो रहा है। अब इन्हें भाजपा में तो आसान हो गया। अगर हम जैसे लोग ये आंदोलन की बात नहीं करेंगे तो ये तो खाते रहेंगे पैसे को। ये वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का ये पहला, ये उनके मैनिफेस्टो में भी है कि बूचड़ खाने पहले दिन हम बंद करेंगे। उन्होंने बंद किया लेकिन इन्होंने पैसे लेके दोबारा से स्टार्ट। अच्छा, कौन कौन लोग पैसे ले रहे हैं? कुछ सत्ताधारी विधायक जिला स्तर पे नाम बताइए ना, आप बताइए रहे। सुनो, जिला स्तर पे सब लोग पैसा खा रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊँ, तो आपको भी पता है। अगर लोग ये पानी नीचे छोड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो इससे बुरी बात क्या बात होगी? अच्छा रविंद्र जी, आप डॉक्टर भी, आपका एनालिसिस क्या कहता है, कितना दूषित पानी और कितने लोग मर चुके हैं? 2000 लोग 50 गांव में मर चुके हैं एक साल के अंदर। ये 100% सच बात है। मेरे पास सबकी रिपोर्ट है, एक एक गांव में एक एक आदमी का मैंने सर्वे किया है। रिश्तेदारी नहीं होती, शादियां नहीं करते लोग, उधर शादियां नहीं करते लोगों को ये पता चला। उधर तो बूचड़ खानों के इलाका, वहां कोई आना पसंद नहीं करता। महामारी का रूप हो रहा है। और ऐसा नहीं है हिंदू ही पानी पिएगा, मुसलमान भी पानी पीता है, मुसलमान भी मर रहा है। और सबसे नहीं मिले हैं डीएम साहब, केवल इस बात को लेकर नहीं मिलते क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ता है। उन्हें पैसे खा रखे हैं, मोटा पैसा खा रहे हैं। और ये जनता, इस बार हम आंदोलन करेंगे 3 फरवरी को। हमने लिखित में उनको दे दिया है कि 3 फरवरी को ये पूरा जिले का आंदोलन होगा और 50,000 लोग इकट्ठा होंगे। एक चीज और बताओ कि आप खुद भाजपा के मजबूत कार्यकर्ता है ना, क्या मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई ढिलाई है या शासन या प्रशासन? मुख्यमंत्री के यहाँ से ढिलाई नहीं है, गुमराह करते हैं पहले। ये उन्हें गुमराह कर देते हैं, प्रशासन के लोग गुमराह कर देते हैं क्योंकि इन्हें इतना मोटा पैसा मिल रहा है। ये तो करेंगे ही, हम इन पर खुला आरोप लगा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं ये। तो डॉक्टर साहब कैसा, मतलब अगला जो तुम्हारा होने वाला है? अगला आंदोलन मेरा आज से ही शुरू हो गया और ये 3 तारीख को बड़ा रूप ले लेगा, 50,000 लोग इकट्ठे होंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को सभी अधिकारी ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत अधिकारियों से की जा रही है लेकिन लोगों की जान जाने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। जनता बेचारी पिस रही है, जो डीएम और एसएसपी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखना है कि इस मामले में कब तक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से आलम सिद्दीकी की रिपोर्ट, हेडलाइंस हलचल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।